नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट लगातार अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहा है और अन्य रिपोर्ट के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, जिसमें कि दरभंगा एयरपोर्ट ने कल के दिन पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। दरभंगा में एयरपोर्ट खुल जाने की वजह से लोगों के बीच सबसे बड़ी खुशी का ये कारण होता है कि अब उन्हें पटना एयरपोर्ट पर नहीं उतरना होगा, और अगर वो पहले पटना एयरपोर्ट पर जब उतरते थे तब जाकर वो गाड़ी बुक करने के बाद अपने घर की तरफ आते थे, जिससे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा जैसे जिला काफ़ी दूर लगता था। वहीं जब हमने लोगों के बीच ये बात किया और तब जाना कि दरभंगा में एयरपोर्ट होने से सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ का, तो उनका ये कहना था कि अब हमें डायरेक्ट हमारे घर के पास ही उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दरभंगा के आसपास मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या कोई अन्य जिला है, वहाँ के व्यक्ति दरभंगा एयरपोर्ट के हो जाने से अत्यंत खुश हैं। वहीं अगर कल के दिन की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट पर एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी कि हम 8 जुलाई की बात कर रहे हैं आप सबों से। तो दोस्तों, जिसमें कुल 18 फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर आई थी, जिसमें कुल यात्रियों की संख्या 2072 थी। अब दरभंगा एयरपोर्ट पर दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो के आ जाने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और जिस तरह दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो भी सफलता का परचम लहराएगी। और इसी को देखते हुए कंपनी ने भी दरभंगा की ओर आकर्षित हो सकती है, क्योंकि इस फ्लाइट के बाद अब इंडिगो भी लोगों की पसंद बनता जा रहा है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अभी भी कई जगह है जहाँ से दरभंगा से फ्लाइट की सेवा नहीं दी जा रही है। लोग हमें बार बार कमेंट्स करते हैं कि वहाँ की सेवा कब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में उन सभी जगहों से दरभंगा एयरपोर्ट से सेवा शुरू हो जाएगा, जिनका इंतजार यात्रियों को काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, जब से ही दरभंगा एयरपोर्ट शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर अपडेट हम आप तक समय के साथ पहुँचाते रहें। शुक्रिया।